नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदीकी। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज खरना मनाया जा रहा है। खरना को लेकर के गंगा के घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता रोहित ने घाटों का जायजा लिया। खरना प्रसाद बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देर शाम तक लोग पूरी, माफ करिएगा, रोटी और खीर बनाया जाएगा छठ व्रतियों के द्वारा, और उसके बाद लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा। और कह सकते हैं कि बिहार और यूपी की बात कर ली जाए तो छठ पर्व को लेकर काफ़ी महत्व है। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप बैरिकेटिंग का उपयोग करें, बैरिकेटिंग के अंदर ही नहाएं, बैरिकेटिंग के उस पार नहीं जाएं। जिला प्रशासन की बात कर ली जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। SDRF NDRF की टीम को लगाया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। और जिस प्रकार से कल यहां पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ घाट जो है, छठ पूजा जो है, वो कहीं ना कहीं संपन्न हो जाएगा। देखिए आप सीधे तौर पर तमाम जो यहाँ पे SDRF की टीम है, NDRF की टीम है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और बैनर के माध्यम से जिला प्रशासन की तरफ से आगे खतरा है, इसके आगे ना जाए, ये बताया जा रहा है। और छठ पूजा की बात कर ली जाए तो छठ पूजा अपने आप में कहीं ना कहीं महत्ता है। तमाम जो छठ व्रती हैं, एक ये भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो छठ व्रती आती है, नहाती है, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रसाद बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। कब से कर रही है दीदी छठ? कल से। हाँ, कल से चालू हुआ। नहीं नहीं, आप कितने सालों से कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं। उपवास रहता है, किसी तरह का दिक्कत रहता? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या क्या होगा? आज खरना के वही खीर बनेगा, वही बना। हम लोग को बुलाइएगा प्रसाद का। हाँ, आइए। अच्छा, एक छठ का गीत गा देते हैं, छठ माता का। हमको नहीं आता गाने। अच्छा, किसको आता? गा दो। अच्छा, देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के खुशहाली के लिए कहीं ना कहीं छठ पूजा करते हैं। एक दीदी है जो हम लोग को कवर कर रही थी। कितना तैयारी चल रहा है छठ पूजा का? तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है छठ पूजा का। क्या कवर कर रही थी कैमरा से हम लोग को? हाँ, आप लोग का कवर नहीं कर रहे थे, हम गंगा घाट को कवर कर रहे थे, क्योंकि इस बार ज्यादा साफ सफाई है और ज्यादा संचेत है। जिला प्रशासन का बहुत अच्छा व्यवस्था है। जिला प्रशासन छठ हम भी छठ किए हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे हैं। अगली मांगती है, पूरा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। छठ माता के लिए गाना गाइएगा, गीत सुनाइएगा? अभी तो गाने का मन नहीं कर रहा है। पूजा कर रही है उनके लिए तो ना नहीं लोग बोलता है, आप ना बोल रही है, एक गाना गा रही है छठ माता के नाम पे। हमारा डिमांड नहीं है। ठीक है, जोर से गाइए। छठ माई के घट पिया जन बाजन बाजा बाज बाए बहे, छठी माई दी है हमके गोदी में, लाला नामातम छठ करे जाए बहे। छठ माई दी है हमके गोदी में, लाला नामातम बाजा बाजा बाए बहे। कहाँ से आएंगे? हम हरताली मोड़ पटना, पुनाई चक से। देखिए पुनाई चक से आ रही हैं और कहीं ना कहीं छठ पूजा जो गाना है उसे गीत सुना रही थी। सीधे तौर पे कहा जा सकता है छठ पूजा का अपना एक अलग महत्ता है। आज खरना का प्रसाद दिया जाएगा और कल जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उसको लेके कहा जा सकता है कि दोपहर 2 बजे से ही लोगों के आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कब से छठ कर रही हैं दीदी? हम भगवान गीत नहीं गाते हैं, अभी कर रही हैं। कब से? हमारा हो गया 5 साल हो गया। जो मांगती है मिल जाता है? मिल जाता है। हाँ, पिता पोती है? नहीं, भतीजी है। सोनाली। छठ गाना आता है? देखिए तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो अपने परिवार के खुशहाली के लिए भी यह पर्व किया जाता है, कुछ और भी लोग हैं। कब से छठ कर रही हैं दीदी? कैसी और छठ पूजा कब से कर रही हैं? कब से करेंगे? मतलब कितने सालों से कर रही हैं? हम तो कर रहे हैं 5-6 साल से। 5-6 साल से आज करना है? हाँ। साथ में हम लोग को बुला रही हैं? काहे नहीं, जरूर आइए। छठ माता का एक गाना सुना देते, गीत सुना देते। हमको से गोर पड़ता है, हमको मतलब। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे वो
जो गंगा स्नान कर रहे हैं और यहाँ से पानी ले जाके फिर छठ मनाया जाएगा। देखिए तमाम जो बचा के छठ का गाना है को सुना देती चाची, कोई नहीं सुना रहा है। हमको गाना नहीं आ रहा। अच्छा दुए लाइन आता होगा ना? नहीं आ रहा है तो। अच्छा दुए लाइन गुनगुना दीजिए ना छठ माता के लिए। आप गुनगुना दीजिएगा, वो खुश हो जाएंगे। जे के रवा जे फरा ले गाओ दसे ओ पर सुगा मेरा रा ओ पर सुगा मेरा रा उजे मारा बौरे सुगा वा धानु खासे सुगा गिरे। देखिए तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार कहीं ना कहीं लगी हुई है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि छठ पूजा को लेके पूरी तरह से धूम है और छठ व्रती कहीं ना कहीं तमाम जो पटना के लोग हैं वो उत्साहित है और पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे एवं अन्य गंभीर NBC 24 सच की ताकत।